Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more cricket updates. वेलकम टू सर्कल ऑफ क्रिकेट। आप देख रहे हैं सीओसी वीकली और मैं अक्षित वैद्यान लेकर आया हूं क्रिकेट की इस हफ्ते की सात बड़ी खबरें। सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में चल रहे प्रदर्शनों पर आखिरकार क्रिकेट जगत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने इस एक्ट पर एक बयान दिया है। रवि शास्त्री ने कहा है कि एक भारतीय के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक्ट काफी अच्छा है और इस एक्ट के आने वाले समय में देश भर को काफी फायदे होंगे। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर रवि शास्त्री ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि महेंद्र सिंह धोनी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। जी हां, इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी महेंद्र सिंह धोनी से बात हुई थी, लेकिन उस बात का खुलासा नहीं करते हुए उन्होंने ये कहा कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल T20 क्रिकेट पर अपना पूरा फोकस करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले IPL में महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और उनकी फिटनेस किस तरीके से उनका साथ देती है। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैच की सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इंदौर में खेले जा रहे इस T20 मैच में श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन का छोटा सा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। जी हाँ, इंदौर की पिच जो कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जा रही थी, वहाँ श्रीलंकाई टीम का यह स्कोर भारत की टीम के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया और भारतीय टीम ने महज 17 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। BBL में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए राशिद खान ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 3 गेंदों पर 3 विकेट चटकाकर हैट्रिक जमाई, लेकिन इस हैट्रिक का उनकी टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं उसी दिन मेलबर्न स्टार्स के हरीश रऊफ ने भी अपनी टीम के लिए हैट्रिक ली। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो गेंदबाजों ने एक ही दिन में 2 हैट्रिक ली हों। भारत के दिग्गज खिलाड़ी इरफान पठान ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा इस हफ्ते की। जी हां, इरफान पठान ने भारत के लिए अपने करियर में 29 टेस्ट मैच, 120 ODI मैच और 24 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इरफान पठान ने 301 विकेट अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है। जी हां, न्यूजीलैंड को आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 416 रनों का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम महज 136 रन ही बना सकी। इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज पर भी 3-0 से कब्जा जमाया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच खेला गया क्वाड्रेंगुलर U19 टूर्नामेंट में भारत ने आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 69 रनों से हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और अथर्व जो कि स्पिनर हैं उन्होंने शानदार 4 विकेट हासिल किए और ध्रुव जुरेल ने इस मैच में शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 69 रनों से हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। सीओसी वीकली में इस हफ्ते इतना ही। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड फॉलो अस ऑन Facebook, Twitter एंड Instagram।